एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर हटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने खाद वितरण केंद्र का जायजा लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने यहां पर बनाए गए 4 खाद वितरण काउंटरों में जाकर वितरण व्यवस्थाओं को देखा कि किस तरह से वहां पर खाद का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से चर्चा भी की, साथ ही उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की और उनके समाधान की बात कही। मालूम हो कि लगातार ही खाद को लेकर किसान परेशान हैं और इसी कारण से दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा स्वयं ही खाद वितरण केंद्रों पर पहुंच करके वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कमियों को देखा, सुधार के निर्देश दिए। रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। है कि उसको मिल जाएगा, यदि आप समय पर आ जाएंगे, खाद की कोई कमी नहीं है, समय पर आ जाएंगे तो बराबर मिल जाएगा, चिंता नहीं करें। मैं अभी हटा आया हूं, जिसमें मैंने आज खाद जो वितरण की व्यवस्था है और साथ में सोयाबीन उपार्जन की जो प्रस्तावित हमारी व्यवस्था है उसका निरीक्षण किया है। और इसमें भी मैंने किसानों से भी चर्चा की है यहां पर और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। तो ख़ास तौर से खाद बीज खाद के उपार्जन का जहाँ तक खाद के विक्रय का जहाँ तक प्रश्न है, डबल लॉक केंद्र में अभी व्यवस्थाएँ सुचारू चल रही हैं और जिन किसानों के पास बहुत पुरानी बहियाँ हैं या जो बही की फोटोकॉपी लेकर के घूम रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो लोक सेवा केंद्र से उसका प्रिंटआउट निकलवा लें लेटेस्ट। और तहसीलदार साहब को मैंने निर्देशित किया है कि जैसे ही वो प्रिंटआउट निकाल के लाएँ उसको तत्काल सर्टिफाई कर दिया जाए ताकि उनको खाद आराम से मिल सके। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि टोकन हमारे जो बटते हैं वो सुबह 9 से 10:30 तक बटते हैं, तो जो किसान टोकन लेकर के, क्योंकि टोकन के बिना हम खाद देते नहीं हैं, तो टोकन वितरण के समय पर आएँ। यदि आप लेट आते हैं तो फिर आपको टोकन नहीं मिल पाएगा, तो हमारी इस व्यवस्था को बना के रखने में आप सहयोग करें। हमारा सोयाबीन उपार्जन का था, जिसमें कि मैंने केंद्र की विजिट की है, यहाँ पर इन लोगों ने व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया है। मैंने कुछ निर्देश दिए हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्देश हमने दिया है कि यहाँ पर कल शाम तक सीसीटीवी कैमरे लग जाने चाहिए हमारे सभी 10 उपार्जन केंद्रों में। इसके अलावा एक छोटा बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें नमी के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में किसानों के लिए आवश्यक निर्देश होंगे। एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें जो किसान वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं चीज़ों को, वो लगातार यहाँ पर हम वीडियो को वायरल करेंगे और साथ में यहाँ पर अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए भी वो वीडियो सुनाया जाएगा, ऑडियो सुनाया जाएगा, ताकि किसानों को क्लैरिटी रहे और किसी भी किसान को जो है तुलाई वगैरह में अनावश्यक पैसा ना देना पड़े। उनको कब पैसा देना है, कब नहीं देना है, नियम सम्मत जानकारी भी उसके बारे में हम पूरी देंगे। इसके अलावा सर्वे जो हमारे FAQ चेक करते हैं वो सर्वेयर्स भी यहाँ पर हैं, गोदाम के सर्वेयर्स भी हैं यहाँ पर। इन लोगों को बताया गया है कि किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आना है, जो सही नमी है उस नमी का ही आप सोयाबीन उपार्जित करेंगे, यदि वो सही नमी का नहीं है तो उसको तत्काल वापस कर दिया जाएगा। किसानों से हमारा अनुरोध है कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि 12% या उससे अधिक नमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने ये व्यवस्था की कि तुलाई के लिए उसको ढेरी बनाने से पहले ही हम आपकी नमी चेक करा लेंगे, यदि नमी ज़्यादा है तो आपका माल वापस कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि नहीं लिया जा सकता, ताकि आपको अनावश्यक जो है उसका ढेरियाँ न लगाने पड़े और वापस न भरना पड़े। तो कुल मिलाकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि सोयाबीन उपार्जन और खाद वितरण की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रहे, अभी तक चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी प्रकार की भी दिक्कत इन दोनों कार्यवाहियों में बिल्कुल ना हो, किसान आराम से जो है खाद भी ले सकें और सोयाबीन का भी उपार्जन करा सकें।